नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा। तो जिस मोदी सरकार को सिर्फ चुनाव की भाषा समझ आती हो, जिस मोदी सरकार को सिर्फ वोटों की भाषा समझ आती हो, आज का यह फैसला हमें अचरज में नहीं डालना चाहिए। दोस्तों, पूरी क्रोनोलॉजी देखिए। दोस्तों, उपचुनावों में इन्हें करारी हार का सामना करना पड़ता है, पेट्रोल के दाम गिरा देते हैं। उसके बाद अब पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से जो इन्हें खबरें आ रही हैं वो इतनी चिंताजनक हैं कि मोदी सरकार को आखिरकार किसान जो तीन कानून थे उन्हें निरस्त करना पड़ा है, उन्हें हटाना पड़ा है। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। अगर आपको समझना है किसान के इस वक्त के मूड को तो सुनिए ये किसान क्या कह रहा है। ये किसान कह रहा है कि देखिए, अभी तो इन्हें संसद में इसे हटाना है। जिस तरीके से इन्होंने संसद में इन तीन कानूनों को ठूसा था, अभी तो वहां से हटाया जाना है। नंबर एक, हम शुक्रिया अदा करते हैं मोदी सरकार का कि इन्होंने कम से कम हमें किसान तो कहा, क्योंकि इससे पहले ये लोग इन्हें क्या कह रहे थे, आतंकवादी, नक्सली, देशद्रोही। सुनिए किसान क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी चीजें बहुत बार बोली, इसलिए अभी ऐसे घर नहीं जाया जाता। अभी तो सिर्फ बयान दिया है, पार्लियामेंट के पटल से कानून वापस होंगे, एमएसपी की कानून लगेगी और जितने मुकदमे किसानों पे आंदोलन पीरियड में लगे उन पे सब पे जब चर्चा होगी तब जाके अभी संयुक्त मोर्चा का फैसला होगा, तब जाके किसान संतुष्ट होगा। अभी सिर्फ हमें सर्टिफिकेट मिला है कि हम किसान हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। ये सर्टिफिकेट प्रधानमंत्री ने दिया, उसके लिए हमें ये है कि एक प्रधानमंत्री ने मान लिया कि मैं देश का किसान हूं, मैं राष्ट्र का किसान हूं, मैं राष्ट्रभक्त हूं, बस इतनी। और यही बात राकेश टिकैत के रवैये से भी झलक रही है। दोस्तों, उन्होंने क्या बयान दिया है आपके स्क्रीन पर। आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि तीन कानून हमने वापसी ले लिए। प्रधानमंत्री जी, तीन कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर पे टिकट लेकर नहीं जाएगा घर। और एमएसपी की गारंटी आप दो, क्योंकि हम जहां पे है यहां पे किसी किसान की एमएसपी पे कोई खरीद नहीं होती। एमएसपी का सवाल देश का सवाल है पूर्ण रूप से, और आम जनता को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं, अभी लड्डू और मिठाई बांटने की जरूरत नहीं। ये संघर्ष अभी जारी रहेगा। आज हमारी संयुक्त मोर्चे की 9 मेंबरी कमेटी की मीटिंग है जो सिंगू बॉर्डर पे है, जो हमारा हेड ऑफिस है, उसमें पूर्ण रूप से फाइनल डिसीजन वे लेंगे, पूर्ण रूप से फैसला वहां पे होगा। साफ है किसान। दोस्तों, इस किसान ने बता दिया है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। चाहे सामने आपका जो भी दमनकारी हो, अत्याचारी हो, आपको बदनाम किया जाएगा, वो डिगा रहा, वो टिका रहा। और अब उनका पालतू मीडिया, जो पहले तीन कानूनों के फायदे गिनाने से नहीं थकता था, किसानों को आतंकवादी बताता था, वो अब नया स्पिन दे रहे हैं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से झुके, किस तरह से अहंकार टूटा, वो लम्हा देखिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से आज सुबह 9 बजे राष्ट्र के नाम अपने संबोधन पर यह फैसला लिया। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है, अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए
एक नई शुरुआत करते हैं। और जाहिर सी बात है दोस्तों, विपक्ष को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, अमीरों की भाजपा ने भूमि अधिग्रहण व काले कानूनों से गरीबों किसानों को ठगना चाहा, कील लगाई, बाल खींचते कार्टून बनाए, जीप चढ़ाई, लेकिन सपा की पूर्वांचल की विजय यात्रा के जन समर्थन से डरकर काले कानून वापस ले ही लिए। भाजपा बताए सैकड़ों किसानों की मौत के दोषियों को सजा कब मिलेगी। अखिलेश यादव एक अहम सवाल उठा रहे हैं, दो मुद्दे उठा रहे हैं। पहली बार जो उनकी पूर्वांचल में जो रोड शो हुआ है दोस्तों, उससे बीजेपी बुरी तरह से हिल गई है, और यही वजह है कि आज उन्होंने यह फैसला किया। ऊपर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनके विधायकों का घुसना मुश्किल हो रहा है दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव में, यही वजह है कि उन्होंने यह फैसला किया। और सबसे बड़ा फैसला जो अब बताना पड़ेगा इस सरकार को, कि आपके मंत्रालय में जो अभी भी अजय मिश्रा बैठे हुए हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जिनका नाम FIR में है, जिनके बेटे पर आरोप है कि उन्होंने किसानों को लखीमपुर में कुचल दिया, आखिर आप उन्हें मंत्रालय से कब हटाने वाले हैं? क्या कह रही है प्रियंका गांधी आपके स्क्रीन पर, 600 से अधिक किसानों की शहादत, 300 से 50 अधिक दिन का संघर्ष, मोदी जी आपके मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचलकर मार डाला, आपको कोई परवाह नहीं थी, आपकी पार्टी के नेताओं ने किसानों का अपमान करते हुए उन्हें आतंकवादी, देशद्रोही, गुंडे, उपद्रवी कहा, आपने खुद आंदोलनजीवी बोला, उन पर लाठियां बरसाई, उन्हें गिरफ्तार किया, अब चुनाव में हार दिखने लगी तो आपको अचानक इस देश की सच्चाई समझ में आने लगी कि यह देश किसानों ने बनाया है, यह देश किसानों का है, किसान ही इस देश का सच्चा रखवाला है, और कोई सरकार किसानों के हित को कुचलकर इस देश को नहीं चला सकती। आगे प्रियंका क्या कह रही हैं, आपकी नियत और आपके बदलते हुए रुख पर विश्वास करना मुश्किल है, किसानों की सदैव जीत होगी, जय जवान, जय किसान, जय भारत। सच है दोस्तों, और हमें नहीं भूलना चाहिए जिस राहुल गांधी का पूरे भाजपा प्रचार तंत्र ने मजाक उड़ाया, उन्होंने आज से एक साल पहले कहा था, जिस शख्स का आपने मजाक उड़ाया उस शख्स ने कहा था कि सरकार को यह काले कानून तो हटाना ही पड़ेगा। क्या कहा था राहुल गांधी ने, आइए सुनते हैं। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ व्हाट द फार्मर्स आर डूइंग एंड आई फुली सपोर्ट द फार्मर्स एंड आई विल कंटिन्यू टू स्टैंड विद देम। आई रेज देयर इशू इन अ यात्रा इन पंजाब एंड वी विल कंटिन्यू टू डू इट। Mark my words, take it from me, these laws, the government will be forced to take them back. Remember what I said. Thank you. और दोस्तों अब इनका जो पालतू मीडिया है वो स्पिन दे रहा है आपके सामने। अंबानी के न्यूज चैनल के दो जो हैं नगीने, ये क्या कह रहे हैं देखिए। Government sources says Modi has chosen national interest over personal interest and party interest by repealing the three farm laws. Points out how aim is to not anti-national elements take advantage of the situation who want to create fissures between communities. ये कह रहे हैं मान्यवर कि इसके पीछे की जो वजह यह है कि सरकार नहीं चाहती कि जो देश विरोधी ताकतें हैं वो इस आंदोलन का फायदा उठाएं। अब तक तो आप देश को यह बता रहे थे कि इन कानूनों से देश को कितना फायदा है, हाँ? अब आपको देशद्रोही भी दिखाई देने लग गए इसमें, यानी कि उस वक्त भी देशद्रोही, अब भी देशद्रोही। ये दूसरा जो है आइटम, किसान बिल से पहले देश बचाना जरूरी था, आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी गैंग जो देश विरोधी एजेंडा चला रहा था वो दुकान आज बंद हुई। किसान बिलों को वापस लेने के फैसले से सबसे ज्यादा मायूस शायद आज खुद PM होंगे, लेकिन उन्होंने देश न झुके इसलिए खुद झुकना सही समझा। इतने चाटुकार हैं दोस्तों ये पत्रकार, इतने चाटुकार हैं कि कोई हद नहीं है दोस्तों। इन बेशर्मों को समझ नहीं आती कि तुमने पिछले एक साल से किसानों को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा चलाया, उसे देशद्रोही बताया। मैं आज चैलेंज करता हूं अब अंबानी के इस न्यूज चैनल को, क्या तुम में हिम्मत है यह खबर चलाने की कि आंदोलनजीवी और आतंकवादियों के सामने मोदी सरकार झुके? और मैं क्यों कह रहा हूं बताता हूं, क्योंकि इसी मोदी सरकार के तमाम लोगों ने इन्हें आंदोलन का, इनको आतंकवादी बताया। आंदोलन जीवी तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया ना, बताया कि नहीं? दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि मैंने आपके सामने किसान आंदोलन की बारीकियों को पिछले एक साल से पेश किया है, आज मैं एक एक करके आप उसकी झलक बताना चाहता हूं। और इस झलक को बतलाने का मकसद यह है कि किस तरह से किसान ने यह लड़ाई लड़ी। सबसे पहले देखिए दोस्तों, किस तरह से किसानों ने इस सरकार की कमजोर नब्ज पर निशाना साधा, अडानी अंबानी
और अनिल अंबानी, तीनों को किस तरह से टारगेट किया था और ये सरकार की कमजोर नब्ज थी। देखिए आज से एक साल पहले मेरा ये शो। इस सरकार का एक चिरपरिचित अंदाज रहा है। आपके स्क्रीन पर त्वरित अंदाज में आपको बतलाऊंगा कि हर कोई गुमराह है जो कि बीजेपी के खिलाफ जो है स्टैंड लेता है। मसलन जब नोटबंदी को लेकर बात आई थी, जिसके चलते पूरे देश की अर्थव्यवस्था की ऐसी तैसी हो गई, उसको लेकर क्या कहा था प्रधानमंत्री ने कि विपक्ष जो है वो लोगों को गुमराह कर रहा है। जीएसटी को लेकर आपके स्क्रीन पर विपक्ष जो है लोगों को गुमराह कर रहा है। नागरिकता बिल पर, सीए पर, यहां पर गुमराह किया जा रहा है मुसलमानों को। बात यहां नहीं रुकती, और वन रैंक वन पेंशन पर विपक्ष सेना को गुमराह कर रहा है। अरे भाई, पूरा प्रोपेगेंडा तंत्र आपके साथ है, बावजूद इसके किसान गुमराह हो रहा है। 24 घंटे न्यूज चैनल्स में विपक्ष को गाली दी जाती है, उन्हें एंटी नेशनल बताया जाता है, और आप जो हैं राष्ट्रवादी हैं, बावजूद इसके गुमराह जो है वो किसानों को विपक्ष कर रहा है। इसका मतलब मीडिया ने जो आपको इतने बड़े आसमान तक पहुंचा दिया, इस तमाम मेहनत के बावजूद, इस सुपारी के बावजूद किसानों पर को आप पर एतबार नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि आपके कामकाज में कहीं ना कहीं कमी है। मगर कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि वजह क्या है, आखिर वजह क्या है कि इन तीन चेहरों को निशाना बनाया जा रहा है, अडानी, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। मैंने कहा कि कहीं ना कहीं किसान ने सरकार की कमजोर नब्ज को पकड़ लिया है, और क्यों मैं आपको बतलाता हूं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे मुकेश अंबानी की, और उसके लिए हाल ही में छपी द वायर की इस रिपोर्ट, रोहिणी सिंह द वायर की इस रिपोर्ट पर आपको गौर करना पड़ेगा। रिपोर्ट क्या कहती है आपकी स्क्रीन पर। पीटर मुखर्जी ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय को बताया था मुकेश अंबानी परिवार के पास था आईएनएक्स मीडिया का स्वामित्व। यह खबर क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। साल 2018 में ईडी को दिए गए एक चौंकाने वाले बयान में आईएनएक्स मामले के मुख्य आरोपी और पूर्व टीवी एग्जीक्यूटिव पीटर मुखर्जी ने दावा किया कि घूसखोरी कांड के केंद्र में रही आईएनएक्स मीडिया का स्वामित्व मुकेश अंबानी और उनके परिवार और दोस्तों के पास है। मुखर्जी उस मामले में आरोपी हैं जिसमें पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति पीटर और उनकी पत्नी इंद्राणी मुखर्जी द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर जेल भेजे गए हैं। पीटर ने ईडी को यह भी बताया कि अंबानी चिदंबरम और उनके बेटे के साथ सीधे संपर्क में थे और उनकी रिलायंस के साथ उनकी दैनिक सौदेबाजी और उनके एग्जीक्यूटिव के द्वारा हुआ करती थी। यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने क्या कहा कि चिदंबरम ने रिश्वत ली। अब पीटर मुखर्जी वायर की इस रिपोर्ट के मुताबिक पीटर मुखर्जी यह भी कह रहे हैं कि चिदंबरम का लगातार संपर्क बना हुआ था मुकेश अंबानी के साथ। तो सवाल यहां पर यह है कि अगर रिश्वत लेना गुनाह है तो क्या देना गुनाह नहीं है, या फिर 2014 के बाद मायने ही बदल गए रिश्वत लेने देने के। यह बात किसी और ने नहीं, वायर की इस रिपोर्ट के मुताबिक पीटर मुखर्जी ने ईडी को दिए थे। तो ईडी ने आखिर मुकेश अंबानी साहब को क्यों नहीं बुलाया, और यही इस बात का प्रमाण है कि मुकेश अंबानी का रुतबा जो है वो बहुत ऊंचा है। और यही नहीं, साल 2019 की फोर्ब्स की रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर दोस्तों। फोर्ब्स के मुताबिक मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 51.4 अरब डॉलर यानी 3.7 लाख करोड़ रुपया। दूसरे स्थान पर गौतम अडानी जिनकी संपत्ति की कीमत है 15.7 अरब। और क्या आप जानते हैं कि फोर्ब्स की रिपोर्ट यह भी बता रही थी कि इन दोनों की जो नेटवर्थ है, यानी कि ये पिछले 5 सालों में इनकी जो संपत्ति है वो दुगनी हो गई है। इस देश में आप खुद जानते हैं कि इस देश का जो आम इंसान है पिछले 45 साल की सबसे खराब रोजगार को लेकर स्थिति का सामना कर रहा है। बेरोजगारी को लेकर 45 साल में सबसे खराब हालात हैं। यही नहीं, एक रिपोर्ट यह भी आई थी कि पिछले 45 सालों में जो गरीब है, गांव का रहने वाला, वो जरूरी चीजों पर कम खर्चा कर रहा है, सबसे कम खर्चा कर रहा है। मगर मुकेश अंबानी साहब हो या गौतम अडानी साहब हो, इन दोनों की जो आय है या जो उनकी संपत्ति है वो लगातार बढ़ रही है। किसान इस बात को देख रहा है। अब गौर किया जाए गौतम अडानी पर।
अडानी साहब की बात पर गौर करने के लिए आपको रुख करना पड़ेगा इकोनॉमिक टाइम्स की इस रिपोर्ट पे। यह खबर क्या कहती है दोस्तों? यह खबर यह कहती है कि भारतीय नेवी ने 45,000 करोड़ की एक परियोजनाओं को लेकर टेंडर जारी किए थे, बिड जारी किए थे। अडानी ग्रुप के पास इस मुद्दे को लेकर कोई तजुर्बा नहीं है, मगर उन्होंने इस मुद्दे में बिडिंग कर दी, दावा खेल दिया। आप बताइए ना, जिस चीज को लेकर आपके पास कोई तजुर्बा नहीं है, उस चीज को लेकर आप बिडिंग कर रहे हैं। यह इकोनॉमिक टाइम्स में मनु पब्बी की रिपोर्ट थी। बात यहां नहीं रुकती, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। गूगल पर जाइए और गूगल पर जाके सर्च कीजिए कि पिछले 5 सालों में हमारे देश में जो बंदरगाह हैं या एयरपोर्ट्स हैं, सबसे ज्यादा करार किस औद्योगिक समूह को दिए गए हैं। जवाब है अडानी साहब। जी हां, स्ट्रैटेजिक पोर्ट्स से लेकर एयरपोर्ट से लेकर बहुत बड़ी तादाद में इन्हें हमारे जो हैं करार दिए गए हैं, चाहे स्ट्रैटेजिक पोर्ट्स हो चाहे बंदरगाह। किसान इस बात को समझता है। अब गौर कीजिए दोस्तों इस तीसरे चेहरे पर, इनका नाम है अनिल अंबानी। क्या आप जानते हैं कि अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस का करार हुआ है रफाल समझौते में? अब इसको लेकर फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसुआ ओला ने क्या कहा था आपकी स्क्रीन पर। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसुआ ओला ने कहा था कि जिस फ्रांसीसी कंपनी डासो का करार हुआ था भारत सरकार के साथ, उसे अपनी पार्टनर चुनने की आजादी नहीं थी और उस पर दबाव बनाया गया था कि वो अनिल अंबानी की कंपनी को चुने। यही नहीं, डासो ने अनिल अंबानी की एक इनएक्टिव फर्म में शेयर्स खरीदे, जिसके चलते उसे 284 करोड़ का फायदा हुआ था। फ्रांसुआ ओला के मुताबिक, जो उन्होंने मीडिया पार्ट को इंटरव्यू दिया था, फ्रांसुआ ओला के मुताबिक आजादी नहीं थी उनके पास, डासो के पास आजादी नहीं थी कि वो भारत में अपने साझेदार, अपने पार्टनर को खुद चुन सके। अब आपको बात समझ आई कि किसान इन तीन चेहरों को क्यों हमला कर रहा है? क्योंकि पिछले 5 सालों में इन तीन ताकतवर उद्योगपतियों पर एक तरह से कहा जा सकता है कि मोदी सरकार की पूरी छत्र छाया है। जी हां, पूरी छत्र छाया, और इस बात को हम इनकार नहीं कर सकते। यही वजह है दोस्तों वो ये नारा लगा रहा है जो इस वक्त आपके स्क्रीन्स पर है, सरकार की असली मजबूरी, अडानी अंबानी जमाखोरी। तो एक तरफ किसान ये कर रहा था, दूसरी तरफ राकेश टिकैत, मैं नहीं भूला हूं दोस्तों वो रात जब कुछ किसान लौटने लगे थे और राकेश टिकैत वहां पहुंचे, जब किसानों को बदनाम किया जा रहा था, जब किसानों के आंदोलन स्थल पर बीजेपी के नेता पहुंच के देश के गद्दारों को गोली मारो के नारे लगा रहे थे, उस वक्त राकेश टिकैत के आंसुओं ने पूरी धारा बदल दी इस आंदोलन की। वो लम्हा याद है आपको, मैंने अपने शो में उठाया था, आइए देखते हैं। कल जब किसान नेता राकेश टिकैत रो रहे थे अपने किसान भाई बंधुओं के लिए, तब तुम उसका मजाक उड़ा रहे थे? तब भारतीय जनता पार्टी की प्रचार तंत्र उसका मजाक उड़ा रहा था? गोदी मीडिया के बिके हुए एंकर्स और पत्रकार उसका मजाक उड़ा रहे थे? तुम भूल गए कि जब प्रधानमंत्री ने नोटबंदी जैसा दंश देश के चेहरे पर मुंह मारा था और जब उनसे हालात नहीं संभल रहे थे, तब वो किस तरह से रो रहे थे? याद से कई सालों पहले मुझे याद है, सांसद योगी आदित्यनाथ, उस वक्त मुलायम सिंह यादव की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, अपनी जान की दुहाई देते हुए संसद के अंदर रोए थे। और मैं नहीं भूला हूं क्योंकि उस वक्त संसद के अंदर मैं मौजूद था और मेरे होश उड़ गए थे कि एक सांसद इतना बेबस कैसे हो गया है कि अब वो रो रहा है, अपनी जान की गुहार लगा रहा है। वो राकेश टिकैत अपने लिए नहीं रो रहा था, वो अपने किसानों भाइयों के लिए रो रहा था, ये तुम कैसे भूल गए? सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि राकेश टिकैत की उस आवाज से किस तरह से पूरा खेल पलट गया। भारतीय जनता पार्टी और उसका बिका हुआ मीडिया, जिसने जो टारगेट किया था किसानों को, इस पूरे आंदोलन को शुरू से ही उसे बदनाम किया था, मगर उस एक लम्हे ने किस तरह से पूरे आंदोलन को पलट दिया। और आगे भी मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका क्या असर हुआ है, मगर सबसे पहले राकेश टिकैत का वो ऐतिहासिक लम्हा। बर्बाद करना चाहते हैं, नहीं होगा, ये देश का किसान, ये 5 लाख ट्रैक्टर मेरे खेत में, मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। और आप जानते हैं मुझे राकेश टिकैत की सबसे अच्छी बात क्या लगी? जब उन्होंने कहा
कि अगर हम पर पुलिस डंडे चलाती है तो ठीक है, पुलिस हम पर डंडे चलाए तो चलाए, मगर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हम पर कैसे डंडे चला सकते हैं? राकेश टिकैत का यह डर था कि देर रात अगर हम वापस चले जाएंगे तो किस बात का भरोसा है, हमारी सुरक्षा को लेकर क्या भरोसा है, और मेरे जो किसान भाई बंधु जाएंगे उनकी सुरक्षा को लेकर क्या भरोसा है? क्योंकि आपको याद होगा कि हिंदू सेना के कई लोग, भारतीय जनता पार्टी के विधायक तक अपने समर्थकों के साथ सैकड़ों की तादाद में वहां पहुंच गए थे। आपको याद है देश के गद्दारों को वो नारे फिर लगाए गए। देखिए, देश के गद्दारों को, गोली मारो, देश के गद्दारों को, गोली मारो, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मानो एक बार फिर शाहीन बाग, जेएनयू, जामिया उसका इतिहास ही दोहराना चाहते थे। इनकी भूख दोस्तों अभी तक नहीं मिटी है। शाहीन बाग में गोली प्रकरण हुआ था, जामिया के अंदर एक जो नाबालिग शख्स है उसने गोली चलाई थी। ये लोग हमारे समाज को क्या बना देना चाहते हैं भाई? और इस लिहाज से राकेश टिकैत ने जो बात कही ना, वो बहुत मायने रखती है। उन्होंने स्थानीय विधायक की शिकायत भी की है कि आखिर वो क्यों अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे, आखिर उनका इरादा क्या था। अरे इसी राकेश टिकैत ने भारतीय जनता पार्टी को 2019 में समर्थन दिया था, 2014 में समर्थन दिया था, और तुम अपने वोटर पर ही देशद्रोह का आरोप लगाने लगे, उसे ही बदनाम करने लगे। क्योंकि देखिए, लाल किले से पहले, लाल किले प्रकरण से पहले, 26 जनवरी से पहले बाकायदा राकेश टिकैत को टारगेट करने का एक पूरा षड्यंत्र रचा गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने यह तक कहा कि बेटा तू पहले बागपत तो पहुंचा, उसके बाद हम तुझे देखेंगे, या योगी जी तुम्हें देखेंगे उसके बाद। याद है वो आदमी क्या नाम है उसका, युधिष्ठिर का उसने रोल प्ले किया था, गज्जू, हां गजेंद्र चौहान, उसने बाकायदा ट्वीट किया था और उसकी तरह अन्य कई लोगों ने भी। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सिर्फ हिंसा एकमात्र रास्ता है आपके पास? क्या संवाद नाम की कोई चीज नहीं सीखी आपने? संवाद को लेकर मेरी क्या राय है और मेरी क्या नसीहत, मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहता हूं। आज बोल के लब आजाद है तेरे में दोस्तों, मैं आपको बतलाने वाला हूं और मेरे रिपोर्टर्स आप तक पहुंचाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट्स, क्योंकि इस वक्त सिंघू बॉर्डर या गाजीपुर बॉर्डर में क्या हो रहा है, किसान के हौसले कैसे हैं वो मैं आपको बतलाऊंगा, मगर उससे पहले मानो एक पूरी योजना के साथ पूरी जो गोदी मीडिया है वो शाम से तैयार होती है। किस तैयारी में? कि पुलिस जो है वो जोर लगाएगी, दबाव करेगी, और किसान जो हैं वो सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर सब खाली करने पर मजबूर हो जाएंगे। और यही नहीं, क्योंकि जिस तरह का प्रोपेगेंडा, झूठा प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ चलाया गया था, कई लोग हताश होकर लौट भी गए थे, मगर वो लम्हा जो मैंने अभी आपको दिखाया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का मानो पूरा का पूरा खेल पलट गया। देखिए दोस्तों, किस तैयारी के साथ गोदी मीडिया उतरा था आपकी स्क्रीन्स पर, एबीपी न्यूज का कार्यक्रम, राकेश टिकैत की ड्रामा पॉलिटिक्स, यानी कि राकेश टिकैत रोएं तो ड्रामा पॉलिटिक्स, प्रधानमंत्री रोएं तो ऐतिहासिक। बात यहां नहीं रुकी, ये मोहतरमा आज तक में काम करती हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर आज किसान आंदोलन की आखिरी रात, ये लगता भविष्य देख सकती हैं, इनको उसी वक्त पता चल गया था, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं से फोन आ गया था कि हमें इस तरह से कवरेज करना है, इस तरह से खबरें दिखाना है। जी हिंदुस्तान, टिकैत की आज निकलेगी हेकड़ी, बताइए ना, आपने तो ये चला दिया, अब हेकड़ी किसकी निकली? क्योंकि बाद में जिस दमधम के साथ पुलिस वहां पहुंची थी, पुलिस फिर गई राकेश टिकैत के पास और उनसे कहा, नहीं आप बैठे रहिए यहां पर, हम तो सिर्फ आपका हाल चाल पूछने आए हैं। यही नहीं, तमाम डीएम्स ने उन्हें फोन भी लगाया, नौकरशाहों ने फोन लगाया कि आपकी सेहत ठीक है तो कृपया बताने का प्रयास करें जी हिंदुस्तान कि हेकड़ी किसकी निकली है। प्रोपेगेंडा चलाते हैं बेशर्मी से। रजत जी, किसान नेता पूरी तरह से बदनाम हो चुका है, आप मेरे बॉस रह चुके हैं, मुझसे वरिष्ठ हैं, बदनाम हो चुका है, यह सवाल आपको खुद से पूछना पड़ेगा रजत जी कि आप कहां थे और कहां आ गए। ये सज्जन, इनके बारे में तो क्या कहा जाए, कल तक जो बक्कल खोल रहे थे आज आंसू बहा रहे हैं बड़े बेआबरू होकर। ये सज्जन खुद न जाने कितनी बार बेआबरू हो चुके हैं, इनकी तो बात ही ना की जाए तो बेहतर है। इसके बाद
कासगंज में झूठी खबर प्रचारित प्रसार करने वाला पत्रकार क्या कह रहा है, आंदोलन का तंबू उखड़ गया, दंगल 5 बजे। जी हां, अपने आप में दोस्तों इन लोगों ने मानो एक किस्म की सुपारी ले रखी थी, सरकार के एक पूरे एजेंडे को ये लोग सामने चला रहे थे, जिसके चलते वो जो है टारगेट कर रहे थे किसानों। आज वो भी दिन आ गया है दोस्तों जब हम भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मापदंड को एक्सपोज करें। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि खुद अमित शाह कुछ और कह रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ और कह रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो डिगे हुए थे कि ये कानून नहीं हटाए जाएंगे, और आज उन्हें झुकना पड़ा है चुनावों में खराब नतीजों की आशंका को देखते हुए। यह शो मैंने किया था दोस्तों बीजेपी के दोहरे मापदंड पर, देखते हैं। एक तरफ तो गृहमंत्री अमित शाह ये बयान देते हैं जो आपके स्क्रीन पर है कि हम किसान भाई बंधुओं से बात करने को तैयार हैं, इसका स्वागत किया जाना चाहिए, वाकई एक सकारात्मक बयान गृहमंत्री अमित शाह का। मगर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं और मन की बात में वो ये स्पष्ट कर देते हैं कि जो किसानों के लिए हम नए कानून लाए हैं उससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। यानी कि प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं इसे अहम का मुद्दा बना दिया है। किसान आपसे यह नहीं सुनना चाहता कि उस किसान बिल के क्या फायदे हैं। आप एक देश एक मंडी की बात कर रहे हैं, मगर हर राज्य के किसान की अपनी तकलीफें हैं। और मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपके अपने मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के अपने मुख्यमंत्री एक अनाज एक मंडी की बखिया उधेड़ रहे हैं, उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। मगर सबसे पहले मैं आप चाहता हूं कि आप सुने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में क्या कहा, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार इस मुद्दे पर नहीं झुकने वाली। सुनिए। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत में खेती और उससे जुड़ी चीजों के साथ नए आयाम जुड़ रहे हैं। बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। बरसों से किसानों की जो मांग थी, जिन मांगों को पूरा करने के लिए किसी न किसी समय में हर राजनीतिक दल ने उनसे वायदा किया था, वो मांगे पूरी हुई है। काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। तो मोदी जी ने कह दिया कि किसानों के लिए जो हम बिल लेकर आए हैं उससे कोई बेहतर काम नहीं हो सकता। ये बात अलग है, उस बयान में आपने देखा कि उन्होंने ये कहा कि संसद ने इसे पारित किया। तो मोदी जी, देश को आप ये भी बता देते कि आपने संसद में इसे किस तरह से पारित किया। जो तस्वीरें आपने मन की बात में लगाई, ये तस्वीरें भी डाल देते कि किस तरह से आपने सांसदों के साथ चर्चा किए बगैर इसे बिजनेस एडवाइजरी कमिटी में भेजे बगैर उसे ठूस दिया। किसी भी स्टेक होल्डर से बात नहीं की, किसान से बात नहीं की, वो किसान जो लगातार ये कह रहा है कि इस बिल को लाने की क्या जरूरत थी। क्या आपने इन तमाम मुद्दों का जिक्र किया कि किस तरह से आपने इस बिल को ठूस दिया और फिर रात भर राज्यसभा और लोकसभा के कई सांसद इस तरह से महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने धरना दिए बैठे थे। तो एक तरफ तो आप बात करने की बात कहते हैं कि हम किसानों से बात करने को तैयार है, मगर दूसरी तरफ आप इस बिल को अहम का मुद्दा बना देते हैं। अब मैं आपको बतलाना चाहूंगा, किसानों ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, किसान प्रतिनिधियों की। मैं आपको दो बातें सुनाना चाहूंगा। सबसे पहले अड़तिया वाली बात, यानी बिचौलिए वाली बात। यहां पर आप सुनिए किस तरह से किसानों के प्रतिनिधि बता रहे हैं कि देखिए, पंजाब में अड़तिया का तो कोई मुद्दा ही नहीं है, ये कोई समस्या ही नहीं है, बिचौलिए का कोई मुद्दा ही नहीं है। सरकार के साथ क्या दिक्कत है कि वो रक्षा मंत्रालय या डिफेंस डील में बिचौलिए का इस्तेमाल करती है और कॉमर्स मिनिस्ट्री में बिचौलिए का इस्तेमाल करती है, लिहाजा उसे बिचौलिया एक बहुत बड़ी समस्या दिखाई दे रही है। आप सुनिए वो क्या कह रहे हैं, और ये अपने आप में बहुत वाजिब बात है। उन्होंने वो कहते हैं कि जी, हम तो बिचौलियों को निकालने के लिए हमने ये कानून लाए हैं। तो हम कहते हैं डिफाइन बिचौलिया। हमारे पंजाब और हरियाणा का मार्केटिंग सिस्टम, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो वहां पे जो आड़ती है वो क्या करता है, हम ट्राली लाते हैं, वो खाली करवाता है, उसको उसकी सफाई करवाता है, उसको रेट लगवा के खरीद एजेंसी से फिर उसको बोरियों में भर के उनको ट्रांसफर करता है, तो सारी पेमेंट लेके किसान को देता है। अगर वो 1500 रुपए खरीदे और 1925 का बिल बनाए, फिर तो बिचौलिया हुआ। उसने ये सारी सर्विस दी, उसके लिए उसने अपना कमीशन ले लिया, ही सर्विस प्रोवाइडर। तो यहां आपने सुना
कि बिचौलिए की समस्या पंजाब में इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। अब आगे सुनिए, सरकार दरअसल निजी मंडियों को प्राइवेट मंडियों को बढ़ावा दे रहा है, और वो सरकारी मंडी जो कि एपीएमसी के हिसाब से चलती है, जहां मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी किसान को होती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी किसान को होती है, उन सरकारी मंडियों को धीरे धीरे फेज आउट करने की बात हो रही है। सरकार कह नहीं रही है, मगर जब आप निजी मंडियों को बढ़ावा देंगे जहां सर किसान पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जाहिर से बात है वो उसकी तरफ जाएगा। अब आप सुनिए व्यावहारिक समस्या क्या है किसान को लेकर, जो ये किसान प्रतिनिधि बता रहे हैं, सुनिए इनकी बात। एक्चुअली कोई पाबंदी है नहीं, अपने कॉर्पोरेट्स को खुश करने के लिए उन्हें और कोई लॉजिक नहीं मिलता था तो कहा कि हमने तो जी एक देश एक मंडी दे दी। रियलिटी ये है कि एक देश दो मंडियां बना दी। एक मंडी है विच इज गवर्न्ड बाय एपीएमसी एक्ट, किसी कानून के तहत 100 साल से वो काम कर रही है, जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, हर किसान को उसकी समझ है। एक मंडी जो इन्होंने बनाई उसमें कायदा कानून ही नहीं, कोई भी आदमी उसे कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं, वो सिर्फ अपने पैन कार्ड से या कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो आधिकारिक डॉक्यूमेंट है उससे कहीं भी कितनी भी क्रॉप किसी किसान से खरीद सकता है, खेत से खरीद सकता है, घर से खरीद सकता है। इसका मतलब ये हुआ कोई अमीर आदमी 4 गांव की गेहूं खरीद के ले जाए, बाद में पेमेंट ना करे, कोई प्रोविजन नहीं कि हम उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं, सिर्फ एसडीएम के पास जाएंगे, एसडीएम भी कुछ नहीं करेगा, वो रिकंसिलिएशन बोर्ड बनाएगा, रिकंसिलिएशन बोर्ड जिस पार्टी की सरकार होगी उसके लोगों का होगा, वो अपने अपोनेंट को हरेस करेंगे। बात यहां नहीं रुकती, आपने क्या कहा था, एक देश एक मंडी कहा था ना आपने, प्रधानमंत्री आपने ये बात कही थी। अब आपके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर क्या कह रहे हैं सुनिए। हरियाणा की अनाज मंडियों में बाजरा 2,150 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है, जबकि पड़ोसी राज्य राजस्थान में 1,300 के भाव पर बाजरा बिक रहा है, इसलिए वहां से बाजरा लाकर हरियाणा में बेचने की शिकायत मिल रही है, वहां का बाजरा यहां बिकने नहीं दिया जाएगा। राजस्थान का किसान अगर हरियाणा में बेचना चाह रहा है तो यह बिकने नहीं दिया जाएगा, यह किसी और के शब्द नहीं है बल्कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के शब्द हैं। अब आप मुझे बताइए कहां गया आपका एक देश एक मंडी वाली बात। देखिए, विरोधाभास सरकार के स्तर पर दिखाई दे रहा है और मैं आपको लगातार बता रहा हूं, और सबसे खतरनाक खेल जो सियासी खेल खेला जा रहा है किसानों को बदनाम करने के लिए, इक्का दुक्का लोग अगर वाहियात बयान दे रहे हैं तो क्या वो किसानों के आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? मैं जानता हूं बीजेपी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी जीभ लपलपा रही है कि किसानों को बदनाम कर दो, हिंदू सिख बना दो और शायद हमें पंजाब के चुनावों में फायदा मिल जाए। यह खेल मत खेलिए, क्योंकि 80 के दशक में यह खतरनाक खेल कांग्रेस खेल चुकी है भिंडरनवाला के साथ, जिसका परिणाम हमने स्वर्गीय इंदिरा गांधी की शहादत के तौर पर देखा था और 1984 के उस जनसंहार के तौर पर देखा था जो आजाद भारत का सबसे बड़ा नरसंहार है। यह खतरनाक खेल मत खेलिए। हमारे सामने दो मिसालें हैं दोस्तों, शाहीन बाग का आंदोलन शांतिप्रिय और सत्याग्रह के सिद्धांतों पर। सरकार में अब भी हिम्मत नहीं है दोस्तों कि सीएए के जो है वो लागू कर सके, नंबर एक। नंबर दो, किसान, इस पर सरकार को झुकना पड़ा है। इसके पीछे का मकसद न सिर्फ सियासत है दोस्तों, बल्कि मेरा यह भी मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो फजीहत हो रही है, आपको याद होगा दोस्तों, गायिका रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग, इन तमाम लोगों ने इस मुद्दे पर जो है बहुत मुखर होकर अपना बयान दिया था कि जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं आप उन्हें इंटरनेट तक प्रदान नहीं कर रहे हैं, यह कैसा आंदोलन है। तो और मुझे याद है उसके बाद इन लोगों ने एक शगुफा छोड़ दिया था कि एक टूल किट है, खालिस्तानी टूल किट, जिसके चलते भारत को टारगेट किया जा रहा है। दिशा रवि को गिरफ्तार कर लिया गया, बाद में दिशा रवि को छोड़ना पड़ा और अब उनके खिलाफ जो है केस उन्हें हटाना पड़ रहा है। तो इन्होंने साम दाम दंड भेद से किसानों को हर कीमत पर टारगेट करने का प्रयास किया, मगर हकीकत यह है कि यह सरकार सिर्फ चुनावों की भाषा समझती है। यह 56 इंच वगैरह कुछ नहीं है दोस्तों, यह सिर्फ चुनावों की भाषा समझते हैं, सिर्फ वोट की भाषा समझते हैं।
और मुझे गर्व है दोस्तों कि न्यूज क्लिक ने किसानों के इस आंदोलन की बारीकियों को आप तक पहुंचाया। हम किसानों के साथ रहे, हम उनके आंदोलन करने के हक के साथ रहे, और इसलिए रहे क्योंकि हर शख्स को आंदोलन करने का हक है। और अगर कोई आंदोलन करेगा तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उन्हें देशद्रोही बता देंगे। एक बार फिर मेरे किसान भाइयों को दिल से मुबारकबाद। नमस्कार।